हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल पर्पस ट्यूटोरियल्स। तो ये जैसा कि हमारी वीडियो है, ये राइटर के बारे में। राइटर ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी का एक कंपोनेंट होता है, या ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी का एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। राइटर जैसा एमएस वर्ड होता है एमएस ऑफिस में, वैसा ही सेम टू सेम राइटर होता है। तो मैं आपको इसके कुछ जो फीचर्स है वो समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओपन ऑफिस का लोगो इस प्रकार से दिखता है, और ये जो राइटर है, राइटर का लोगो इस प्रकार से दिखता है। अभी राइटर के पार्ट्स यहाँ पे कौन से होते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे ऊपर इसका, यहाँ ये टाइटल होता है। सबसे जो ऊपर वाला रिबन होता है, ये टाइटल होता है। ये आप नीले कलर का दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड वन, तो ये इसका टाइटल होता है। ये जो सबसे पहले होता है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा है इसलिए क्योंकि अभी इसको किसी नाम से सेव नहीं किया। अगर इसको किसी भी नाम से सेव करेंगे तो यहाँ अनटाइटल्ड की जगह वो नाम लिखाएगा यहाँ सबसे ऊपर। उसके बाद उससे नीचे आते हैं तो ये होता है हमारा मेन्यू बार। ये यहाँ पे आप लिखा देखेंगे, ये होता है हमारा मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे सबसे पहले आपका फाइल, तो फाइल आप देखेंगे तो आप न्यू फाइल खोल सकते हैं, सेव्ड फाइल खोल सकते हैं। उसके बाद एडिट, अगर आपको इधर पे कुछ एडिट करना है, व्यू, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे व्यू आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इंसर्ट, अगर आपको इसमें कुछ डालना है फॉर्मेट, ये जो इसकी स्टाइल और ये सब टेबल्स टूल्स विंडो हेल्प, तो ये इस प्रकार से आपको मेन्यू है यहाँ पे, जहाँ से आपको अलग अलग तरीके के इसमें फंक्शंस मिल जाएंगे। अलग अलग आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हर तरीके के। उसके बाद हम यहाँ मेन्यू बार से नीचे आएंगे तो यहाँ नीचे रहती है स्टैंडर्ड टूल बार। अब स्टैंडर्ड टूल बार क्या है कि यहाँ से जैसे कि अगर हमको कुछ प्रिंट करना है तो हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमको इसका पीडीएफ निकालना है तो हम पीडीएफ निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम स्टैंडर्ड टूल बार का यूज कर सकते हैं। वैसे स्टैंडर्ड टूल बार का यूज जब भी हम कुछ काम करते हैं इस पे तभी नहीं रहता, काम करने के बाद होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसका अगर हमको मैग्निफाई करना है, उसके बाद अगर हमको यहाँ पे प्रिंट करना है, उसके बाद हमको पीडीएफ बनाना है, ठीक है, या हमको मूव करना है और कहीं पे मूवमेंट करना है, तो उस टाइम पे हमको स्टैंडर्ड टूल बार का यूज आता है। उसके बाद अगर हम स्टैंडर्ड टूल बार से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आती है हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार। अभी फॉर्मेटिंग टूल बार जो होती है हमारी, इस पे आप देखेंगे कि सारा स्टाइलिंग है। यहाँ पे जैसे ये डिफॉल्ट लिखा है, मतलब ये यहाँ पे अभी फॉन्ट का जो है स्टाइल है, ये यहाँ पे टाइम्स रोमन की यहाँ पे कौन सा फॉन्ट लिखना है, उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट का नंबर, उसके बाद फॉन्ट का जो स्टाइल है वो, उसके बाद यहाँ पे ये एक साइड में रहेगा या फिर ये सेंटर में रहेगा या फिर ये राइट साइड में रहेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार का ये यहाँ पे पर्पस होता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि रूलर है। अभी रूलर का क्या यूज होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ से लेके और जैसे कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींचे, तो अब आप यहाँ पे ऊपर रूलर से मैच कर सकते हैं उसकी लेंथ कि यहाँ पे मैंने कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचे है, या जो भी आपको उस समय यूनिट रखनी है आप वो रख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है स्क्रोल लॉक। स्क्रोल लॉक मतलब यहाँ से आप ऊपर नीचे करते हैं इसको। जैसे डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, ये एक बार में स्क्रीन में नहीं आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट आधा ही दिखता है और आधा डॉक्यूमेंट नीचे होता है, तो आप इसको जब स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ बाकी का आपको आधा पार्ट जो है वो दिखने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्क्रॉल नहीं हो थोड़ी देर, तो आप स्क्रॉल लॉक कर सकते हैं, जिससे कि क्या है स्क्रॉल नहीं होगा। उसके बाद सबसे आखिरी में आता है हमारा यहाँ पे स्टेटस बार। स्टेटस बार पे ये दिखाता है कि ये कौन से पेज पे है, डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं वो सारे दिखाता है। और ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 100% दिखा रहा है। 100% दिखा रहा है मतलब कि अभी जो है साइज उसका 100% है। यहाँ पे अगर आप मैग्निफाई करेंगे इसको तो ये 100 से ऊपर चला जाएगा मैग्निफाई, और अगर आप इसको और छोटा करेंगे तो ये 100 से नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये इंसर्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्टेटस बार पे सारी चीजें रहती हैं। उसके बाद अब कुछ और जरूरी चीजें हैं, जैसे कि पेज स्टाइल क्या होता है। तो पेज स्टाइल होता है कि ये आपको जो आपका करेंट पेज है उसकी स्टाइल दिखाता है। अगर आपको पेज स्टाइल चेंज करना है तो आप उस फील्ड पे राइट क्लिक करें, एक लिस्ट आएगी आपके पास पेज स्टाइल की, वहां से आप कोई भी डिफरेंट स्टाइल जो है वहां पे चूज कर सकते हैं उसके ऊपर क्लिक करके। अगर आपको करेंट पेज की स्टाइल को एडिट करना है तो आप वहां पे डबल क्लिक करेंगे तो वहां पे पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स आएगा, और वहां से आप
चूज कर सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको openoffice.org के राइटर के बारे में पता होना चाहिए, और ये इतनी ही चीज़ें हैं जो आपको openoffice.org के राइटर के बारे में पता होना चाहिए अगर आप एक बिगिनर हैं और अभी आप चालू कर रहे हैं। क्योंकि आपको चीज़ें पता होती हैं, आपको उनके सारे फंक्शनैलिटी पता होती है, तो उससे क्या है कि आप उनको यूज़ बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आप उनका 100% आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही थी हमारी राइटर के ऊपर वीडियो openoffice.org के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस को भी देखें और हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।